माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम। आई बिलीव यू आर क्वाइट वेल एंड एनर्जेटिक। टुडे वी विल स्टडी अबाउट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस। क्वेश्चन वन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन ए 2 times मैग्निफाइड रियल इमेज। अभी इसमें क्वेश्चन को इसको रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन ए 2 times मैग्नीफाइड रियल इमेज। अब इसमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और फोकल लेंथ दी हुई है, यू निकालना है। देखिए गिवन, गिवन लिख लेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर बिकॉज कॉनकेव मिरर, क्या है ये कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ है वो माइनस है, -20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन -2। एम, अब फार्मूला जानते हैं, पीनो एम इज इक्वल टू -2, फार्मूला इसका इक्वल टू -b अपॉन u और बी अपॉन यू इक्वल टू 2, क्यों माइनस यहाँ पर है और माइनस ये, माइनस माइनस ये कट गया तो बी अपॉन यू इज इक्वल टू 2। मिरर फार्मूला 1/b + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर जो है जो वैल्यू है रख देंगे बी इज इक्वल टू 2u, तो 1/2u बी की जगह क्या लिखा 1/2u + 1/u इज इक्वल टू 1/-20, फोकल लेंथ है ये -20। इसको जो कैलकुलेट किया तो 2u 1+2 इज इक्वल टू 1/-20। 3/2u इसको ऐड कर दिया, 3/2u इज इक्वल टू 1/-20। कैलकुलेट किया इसको, 2u इज इक्वल टू 3 × -20, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस पाएगी, तो इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हुआ। समझ गए अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 lenses आर ऑफ पावर P1 इज इक्वल टू +0.5 diopter एंड ए P2 इज इक्वल टू -2.5D। आउट ऑफ द 2 आइडेंटिफाई द कन्वर्जिंग लेंस एंड द डाइवर्जिंग लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ इच। तो यहाँ पर जो है पावर दी हुई है, उस पावर के आधार पर जो है आपको कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस और उनकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। आंसर बी, नो, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है तो इसकी पॉजिटिव पावर होती है, और कॉनकेव लेंस ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसकी पावर जो है नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव पावर है तो कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस है, और नेगेटिव पावर है तो कहेंगे कॉनकेव लेंस है। सो P1 + 0.5 diopter कॉन्वेक्स लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस। P2 इज इक्वल टू -2.5 diopter कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस
वन कन्वर्ज लेंस जो कि कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ वी नो एफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन पी वन, मतलब फोकल लेंथ वन अपॉन पावर इज इक्वल टू वन अपॉन 0.5, कैलकुलेट करेंगे इसको तो प्लस 2 मीटर कितना आया, प्लस 2 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लस 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, जो लेंस टू है डाइवर्जिंग लेंस है इसकी फोकल लेंथ एफ टू इजिकल टू वन अपॉन पी टू इजिकल टू, इसको यहाँ पर पुटिंग कर देंगे इसकी वन अपॉन माइनस 2.5, कैलकुलेट करेंगे 10 अपॉन माइनस 25 माइनस 0.4 मीटर, माइनस 0.4 मीटर, इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में तो माइनस 40 सेंटीमीटर, माइनस 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये पावर दी होने पर हम जो फोकल लेंथ निकाल लेंगे। टू थिन लेंसेस ऑफ पावर प्लस 5 डाप्टर प्लस है एंड माइनस 2.5 डाप्टर आर इन कॉन्टेक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, दो लेंस हैं उनका कॉम्बिनेशन जिनकी पावर दी हुई है तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या है इसको निकालेंगे। आंसर गिवन पी वन इज इक्वल टू प्लस 5 डाप्टर, पी टू इज इक्वल टू माइनस 2.5 डाप्टर, वी नो P इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, जितने भी लेंस हैं उनको हम कंबाइंड करते हैं कॉम्बिनेशन उनका बनाते हैं तो उनकी सबकी जो है पावर जोड़ दी जाती है, इज इक्वल टू प्लस 5D प्लस माइनस 2.5 डाप्टर, इसका जो है कैलकुलेट करेंगे 5 माइनस 2.5 तो यहाँ पर जो है प्लस 2.5 डाप्टर क्या आएगा, 2.5 डाप्टर। इसको आगे जो है पी नो एफ इजिकल टू वन अपॉन पी इजिकल टू वन अपॉन 2.5, वन अपॉन 2.5 इजिकल टू 10 अपॉन 25, इसको कैलकुलेट करेंगे ऊपर पी इसका पॉइंट हट गया 25 हो गया ऊपर 10 लिख दिया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो प्लस 0.4 मीटर, 0.4 मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इक्वल टू प्लस 40 सेंटीमीटर, प्लस 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम जो है लेंस को कॉम्बिनेशन करके उनकी कॉम्बिनेशन पावर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंसेज इजिकल टू प्लस 40 सेंटीमीटर है, दोनों कॉम्बिनेशन की पावर कितनी हुई थी 2.5 डाप्टर, ये पावर है और इससे जो हम एफ इजिकल टू वन अपॉन पी वन अपॉन 2.5 इस पर कैलकुलेट करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लेंसेस इजिकल टू प्लस 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किस पर डिपेंड करता है, अच्छा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन देयर नेचर स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, नेचर पर डिपेंड करता है एंड कलर वेव लेंथ ऑफ लाइट, कलर का मीन्स वेव लेंथ ऑफ लाइट इस पर जो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर बी लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इन टू वाटर विच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10^8 m/s, इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये कैलकुलेट करनी है, तो पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3×10^8
meter per second. Refractive index of water. Refractive index of water is equal to 1.33. Speed of light in water, BW बोलेंगे इसको, BW is equal to C upon NW. यहाँ पर जो है refractive index है, water, refractive index of water is equal to, अब इसकी 3 × 10^8, speed of light in air 3 × 10^8 upon refractive index of water 1.33. इसको calculate करेंगे, 300 अपॉन ये यहाँ पर जो है ये पॉइंट हटा दिया तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा, और 300 अपॉन 133 × 10^8 इसको जब डिवाइड किया तो 2.255 × 10^8 मीटर पर सेकेंड. इसको यहाँ पर इसको छोड़ देंगे 5 को तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, इक्वल टू 2.26 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड. तो इस प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इस प्रकार से प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.